टू माय क्लास चैनल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हमारे पास क्वेश्चन है क्या स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है डिवेन मेथड से इस नंबर का तो जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है बाय डिविन मेथड तो हम क्या करते हैं हम इस तरह लाइंस लगा के जो नंबर गिवन होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास टू मैथड होते हैं डिवेन मैथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड तो इसमें हम डिवेन मैथड से सॉल्व करेंगे और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड पर बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं तो आप चेक कर सकते हैं अच्छा हमने सबसे पहले करना क्या होता है हमने ये करना होता है राइट साइड से ग्रुपिंग कर लेनी होती है टू डिजिट्स का ग्रुप बन गया ये टू डिजिट्स का ग्रुप बन गया ये रह गया अकेला अब ये करते क्यों हैं ये सबसे जो है क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इसलिए हम करते हैं कि सिंपल डिवेन में जब हम सिंपल डिवेन होती है डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइडेंट मतलब अंदर जो रखते हैं वो नंबर भी गिवन होता है डिवाइजर जो बाहर रखते हैं वो भी गिवन होता है दोनों को हम क्या कर देते हैं सिंपल एक को अंदर हैं एक को बायर रखते हैं सॉल्व करा देते हैं डिवाइड करा देते हैं यहाँ पर हमारे पास जस्ट ये नंबर है ये तो है नहीं है यहाँ पर डिवाइजर तो है नहीं वो हमें खुद से लेना है ठीक है तो इसलिए हम सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए स्टार्ट में हमने वन डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को करना है तो हमने ग्रुपिंग की टू डिजिट्स की टू डिजिट्स की रह गया अकेला हमें पता चल गया कि अब स्टार्ट में हमने ओनली सिक्स को सॉल्व करना सिक्सटी थ्री को नहीं करना जैसे यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है ये ग्रुप बना ये बना ये बना ये रह गया फोर अकेला तो फोर अकेले को सॉल्व करना है फिर यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर वन अकेला रह गया और फिर इसी तरह यहाँ पर सिक्स रह गया तो अब क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं रूल क्या होता है यहाँ पर डिवाइजर लेने का वो ये होता है कि जो नंबर यहाँ पर लेना है वही आपने यहाँ पर लेना है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टू लूँ तो मुझे यहाँ पर भी टू ही लेना है ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर टू ले रही हूँ तो यहाँ पर थ्री फोर फाइव कुछ भी मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ तो मैं अगर टू लूँ तो मुझे यहाँ पर भी टू ही लेना है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टू टू टाइम्स फोर आ जाता है सिक्स तो हमारे पास बड़ा है फोर तो छोटा है थ्री लेंगे तो हमें यहाँ पर भी थ्री लेना होगा तो थ्री थ्री टाइम्स नाइन आ जाएगा तो सिक्स छोटा है नाइन तो बड़ा है इसके नीचे तो नहीं आ सकता इसका मतलब ठीक है टू ही हम ले ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी हमें फिर टू ही लेना है तो टू टू टाइम्स हमारे पास क्या आ गया फोर आ गया माइनस करवाएंगे जैसे सिंपल डिवेन में हमारे पास स्टेप के बाद माइनस माइनस कराते हैं सिक्स में से फोर को माइनस करवाओ तो टू आ जाता है अब हम क्या करते हैं सिंपल डिवीजन में वन वन डिजिट को उतारते हैं और सॉल्व करते जाते हैं इसमें ऐसे नहीं करना है इसमें ग्रुपिंग की हुई है ना तो ये ग्रुप जो है पेयर या कह लें जो भी तो ये पूरा ही नीचे आएगा ओनली थ्री को नहीं उतारेंगे थर्टी को पूरे को उतारेंगे फिर क्या करना है फिर ये करना है यहाँ पर डिवाइजर अब कैसे आएगा वो यही आएगा कि जो यहाँ पर है ना डिजिट जो उसको उसी में ऐड करके यहाँ पर लिख दें तो टू में टू को ऐड करवाएंगे तो फ़ोर आ जाएगा अब फोर के साथ हम ऐसा कौन सा लें डिजिट जो यहाँ पर भी लें मल्टीप्लाई करवाएं तो टू थर्टी फाइव से लेस देन आ जाए क्योंकि इक्वल तो आएगा नहीं तो लेस देन जो है हमारे पास आएगा तो फोर के साथ अगर हम जो है क्या ले लें फ़ाइव ले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है हम यहाँ पर फाइव लेंगे तो हमें यहाँ पर भी फ़ाइव ही लेना होगा तो फोर्टी फ़ाइव को फ़ाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव यहाँ पर फाइव फोर टाइम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो टू टू फ़ाइव आ गया बिल्कुल सही है अगर हम सिक्स लेते हैं तो यहाँ पर भी सिक्स लेना होगा तो फोटी सिक्स को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा टू थर्टी फ़ाइव से तो हम वो इसके नीचे नहीं लिख सकेंगे तो इसलिए हम सही है फ़ाइव ही ले, ले लेते हैं यहाँ पर और फाइव हम हाँ पर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव को फ़ाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ जाता है टू ट्वेंटी फ़ाइव अब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ़ाइव में से फ़ाइव को माइनस करवाओ तो क्या आ जाता है ज़ीरो आ जाता है थ्री में से टू को माइनस करवाओ तो वन आ जाता है अब जीरो को ओनली को उतारेंगे नीचे ये पेयर बना हुआ है तो पेयर को पूरे को उतारेंगे नीचे जीरो फोर को अब क्या करना है यहाँ पर तो हमने ये किया था कि ये यहाँ पर जो डिजिट है उसको उसी में ऐड करके यहाँ पर लिख दो अब ये नहीं करना कि फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव में फोर्टी फाइव को ऐड करके यहाँ पर लिख दो आपने ये करना है कि फोर्टी फाइव का जो है यहाँ पर लिख लें फोर्टी फाइव का जो लास्ट डिजिट है फोर्टी फाइव का लास्ट डिजिट फाइव है तो फोर्टी फाइव में जस्ट जो उसका लास्ट डिजिट है ना फ़ाइव वो ऐड करा दें तो फोर्टी फाइव का मैंने आपको कहा लास्ट डिजिट फाइव है तो फोर्टी फाइव में जस्ट फाइव ऐड करके यहाँ पर हम लिखते हैं क्या आता है हमारे पास फ़ाइव फ़ाइव टेन हो गया फिफ्टी वन इधर चला गया ना कैरी और यहाँ पर फिफ्टी आ गया तो आपने इस तरह से यहाँ पर फिफ्टी लिख देना है मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर वन था वन में वन को ऐड किया टू आ गया फिर टू के साथ जो भी लिया फिर आगे सॉल्व किया यहाँ पर ट्वेंटी टू में ट्वेंटी टू को ऐड नहीं करना है ट्वेंटी टू को यहाँ पर लिखो ट्वेंटी टू का लास्ट डिजिट टू है तो ट्वेंटी टू में जस्ट टू ऐड करके ट्वेंटी फोर आ जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी फोर लिखो इस तरह से और फिर सात कोई डिजिट लो जो यहाँ पर भी लो जैसे अभी हम करेंगे यहाँ पर तो अब फाइव ज़ीरो के साथ हम ऐसा कौन सा डिजिट लें जो यहाँ पर भी लें यहाँ पर भी लें मल्टीप्लाई करवाएं तो वन ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर के इक्वल आ जाए तो फाइव ज़ीरो टू ही होगा फ़ाइव ज़ीरो टू को टू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर आ जाएगा तो ठीक है हम यहाँ पर भी टू ले लेते हैं और यहाँ पर भी हमें टू ही लेना होगा तो फाइव ज़ीरो टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो वन ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर आ जाता है हमारे पास माइनस करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा अब इसको लिखना कैसे है वो लिखना इस तरह होता है ये यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखें और जो नंबर गिवन है ना आपके पास जो नंबर था आपका जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था सिक्स थ्री फाइव जीरो फ़ोर सिक्स थ्री फाइव ज़ीरो फ़ोर वो आपने यहाँ पर लिख लिया स्क्वायर रूट के अंदर और आंसर आपके पास क्या आएगा जो क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपके पास टू फिफ्टी टू है तो वो आप यहाँ पर लिख लें और आपका स्क्वायर रूट फाइंड कर हो गया सिक्स थ्री फाइव ज़ीरो फोर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है टू फिफ्टी टू के तो इस तरह से इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं होप सो so, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो है स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड करते हैं डिवेन मैथड से ये देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो है उसमें मैंने फाइव क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक है एक वीडियो है जिसमें मैंने फाइव क्वेश्चन सॉल्व किया ताकि पता चल जाए थ्री डिजिट नंबर होगा तो क्या करना है फोर डिजिट नंबर होगा फाइव सिक्स सेवन कोई भी फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा आप इसीलिए उसको करेंगे तो वो देख लें और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें वन एट फोर नाइन सिक्स ये नंबर ले लें और अगर आपके पास आंसर वन थर्टी सिक्स आ जाता है ना इसका मतलब है आपको सॉल्व करना आ गया आपका करेक्ट है इसका ये जो है इसको सॉल्व करें और आंसर वन थर्टी सिक्स अगर आ गया रूट ही फाइंड करें ओके होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर